मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद 25 मार्च को भाजपा विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इन सबके बीच सबसे बड़ा उलटफेर ये देखने को मिला है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिनेश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ब्रजेश पाठक योगी सरकार में विधायी, न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में मंत्री रह चुके हैं। इस बार दिनेश शर्मा की जगह उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। आपको बता दें, साल 2014 में मोदी लहर में हारने के बाद राजनीति हवा का रुख भांपते हुए ब्रजेश पाठक ने बसपा छोड़कर साल 2016 में भाजपा में शामिल हो गए। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बनी सरकार में ब्रजेश पाठक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मणों के मुद्दे उठाते हैं। जब माफिया सरगना विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तथा दुबे के समर्थन में लामबंद लोगों ने योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताना शुरू किया, उस वक्त ब्रजेश पाठक मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े नजर आए और विकास दुबे को खूंखार अपराधी बताया। माना जाता है कि तब से ही वो योगी आदित्यनाथ के करीबी बन गए थे। ब्रजेश पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लवा में 25 जून 1964 को हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल करने वाले ब्रजेश पाठक पेशे से वकील हैं। 1990 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष वो बने। छात्र राजनीति के बाद पाठक ने मुख्य धारा से राजनीति की शुरुआत की। 1992 में कांग्रेस में शामिल हुए। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में मल्लावा विधानसभा सीट से उतरे, परंतु 4 चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2004 में कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। बसपा ने साल 2004 के लोकसभा चुनावों में उन्हें उन्नाव सीट से उतारा और वो चुनाव जीत गए। साल 2014 में जब मोदी लहर के आगे बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ब्रजेश पाठक हारे, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें भाजपा का कमल अपने हाथ में लेना चाहिए। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा में शामिल होकर लखनऊ मध्य से चुनाव लड़ने वाले ब्रजेश पाठक ने जीत हासिल की। इसके बाद वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। चलिए अब हम आपको ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक के बारे में कुछ बेहद खास बातें बताते हैं। आपको बता दे, नम्रता पाठक मायावती के काफी ज्यादा करीब रह चुकी हैं। मायावती की सरकार में ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने नम्रता को उन्नाव सदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, परंतु वो चुनाव जीत नहीं पाई। आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे लेकर नम्रता पाठक काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है और पति को मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी और समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया भी कहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।